विदिशा पुलिस अधीक्षक इन दिनों रात में होने वाली वारदातों को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने इन वारदातों को रोकने के लिए गश्त भी शुरू कर दी है, जिसके तहत रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिसकर्मी गश्त लगाएंगे, जिसकी रिपोर्ट सभी थाना प्रभारी खुद एसपी और कंट्रोल रूम को देंगे। साथ ही थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यदि जुआ और सट्टा खेलने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो थाना प्रभारी अपना सस्पेंड होना तय समझे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों से उम्मीद जताते हुए कहा कि आशा है आप तय समय पर दिए गए टारगेट को पूरा कर लेंगे। हमारे द्वारा पूरे विदिशा जिले में प्रत्येक थाना क्षेत्र में कोम्बिंग गश्त के नाम से पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इस गश्त का उद्देश्य होता है कि एक संगठित रूप में टीम बांटकर थाना प्रभारी और गैस्टेड ऑफिसर्स अपराधियों की धरपकड़ इफेक्टिव रूप से कर सकें। इसमें स्थायी तथा गिरफ्तारी वारंटी की पकड़, आर्म्स एक्ट तथा अन्य कार्रवाई और जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं उसके रोकथाम के लिए इफेक्टिव पेट्रोलिंग, ऐसी कार्रवाइयाँ पुलिस करे। ये कार्रवाई रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगी। रात्रि 2 बजे इसकी समीक्षा सेट के जरिए मेरर एडिशनल एसपी साहब द्वारा की जाएगी और सुबह 5 बजे तक थाना प्रभारी स्वयं रात भर की कार्रवाई की रिपोर्टिंग कंट्रोल रूम को करेंगे।